यही सबसे हार्ड होता है कि 36 घंटे से भी ज्यादा निर्जला रहना पड़ता है। अब तो कट गया, बताइए कट गया। तो पेड़ आज है खरना और शाम को होता है वो, इसमें बनता है रोटी और गुड़ वाली खीर, दूध वाली खीर। तो सगुन अपने ड्यूटी पे लग गई रोटी बनाने का, पूजा का। खूब तरक्की करो, पूरा परिवार को संभाल के रखो। बिजली नतनी आ गई चली भाई, माता रानी बहुत मेरा मनोकामना पूर्ण किए मुझे। क्या बात है भाई, मुंह फुला हुआ है वीडियो होते हो जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज है खरना और शाम को होता है वो, इसमें बनता है रोटी और गुड़ वाली खीर, दूध वाली खीर। किसी किसी के यहाँ सिर्फ दूध वाली बनती है और हम लोग यहाँ गुड़ वाली भी बनती है। किसी के यहाँ दूध में ही गुड़ डाल दिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ है जो कि दूध का अलग बनता है, खीर और गुड़ का अलग बनता है। दूध का जो खीर बनता है सो बिना शुगर बिना गुड़ का बनता है, और गुड़ वाली तो गुड़ डाल के बनता है। तो इस साल हमारे यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर ली हूँ। मैं सिस्टर के यहाँ जाऊंगी, अभी जा रही हूँ मैं उसके यहाँ। चूल्हा ये सब हमारा जो है पूजा का, उसके पास सिलेंडर ये सब नहीं है, तो मैं जा रही हूँ चूल्हा सिलेंडर ये सब देने। बाकी चीज सब है उसके पास, तो अभी चलते हैं सब देने। दीदी मेरी नहा ली है, सुबह तैयार हो गई नहा के, और मैं भी नहा के तैयार हो गई सब। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, वहाँ पे सिस्टर को देने जा रही हूँ मैं। आप लोगों को बताई थी कि सुबह में कि चूल्हा और सब सिलेंडर ये सब देना है, क्योंकि मैं सारे सिलेंडर ये सब बेच दी थी, लेकिन जब दिल्ली से यहाँ आई थी तो, लेकिन मैं एक सिलेंडर जरूर रखी थी कि पूजा पाठ के लिए, और वो है कि हरदम काम आता है हमारे, हरदम भरवा लेते हैं हम लोग, एक बार भरवाते हैं तीन साल चल जाता है तो वो चीज है। और दूसरा कि चूल्हा भी अलग रखा, चूल्हा अलग रखा, तीन चूल्हा मेरा अलग अलग रखा हुआ रहता है, खाना का अलग, खरना का अलग, एकदम ऐसे करके रखा हुआ रहता है। हाँ, इसमें कुछ नहीं, मेरा सब बर्तन सब भी पीतल का होता है, सब खाना बनाने वाला। सो आप लोग देखे ही हो प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देख ही लिए हो कि कैसे क्या है मेरा, तो ये बात है। और चलते हैं अभी, सब दिन का जिम निकल गया आज, सब दिन का जिम निकल गया आज। हेलो, बस ठीक। तो जा रहे हैं हम लोग देने सिलेंडर और चूल्हा और इसका साड़ी। मैंने शूज पहना हुआ है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, और चूल्हा और सिलेंडर को मम्मी और मन्नू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। बोली भाई, हमारी पोती रानी देखिए आराम कर रही है, चूल्हा उल्हा दे दिया, कनेक्शन लगवा दिए और सब कुछ कर दिए। अब जा रहे हैं कहीं और काम से, कुछ वहाँ से लौट के आते हैं, मार्केटिंग ये सब करना है, थोड़ा सब करके लौट के आते हैं, तो फिर प्रसाद बनाते, फिर कपड़ा चेंज कर और के, तो फिर आएंगे। तो वादा के अनुसार मैं 2 घंटा लेट हो गई, कुछ जरूरी काम से मैं चली गई थी। आप लोग को बताएंगे अगले साल छठ में, आप लोग को बहुत अच्छा बहुत खुशखबरी मिलेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, अब देखती हूँ कि कितना बना चुकी है, क्या कर चुकी है, क्योंकि वहां से आई मैं कपड़े चेंज की, चूड़ी चेंज की, क्योंकि चूड़ी वो सब काफी दिन का पहना हुआ था तो जूठा उठा लगा होगा, तो दूसरा चूड़ी पहन ली मैं, नया तो नहीं पहनना है, पुराना ही पहन ली। तो चल रहे हैं अब उसके यहाँ, पूरा हेल्प करें जितना हो सकेगा करेंगे। तो ये हमारे खरना का खाना बनना शुरू हो गया है, मेरी बहना बहुत परेशान हो गई, मैं भी चली गई थी बीच में, मतलब कि छोड़ के चूल्हा ये करके और चली गई मैं। सब हो रहा है, रोटी बनेगा, खीर ये गुड़ का है और ये दूध का खीर बन रहा है, और हम अब बैठेंगे, अब रोटी हम लोग बेलते जाएंगे सेकते जाएंगे। मेरा काम हम लोग के ये हमेशा करते हैं, मेरी वाइफ को भी हम नहीं करवाते, पूरा 10,000 सब्सक्राइबर लोग सुन लेगा क्या बोल रही है। नहीं, ऐसे साइलेंट हो जाएगा, गाना हो रहा है। अच्छा, वो कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है नहीं? बजाई है छोटी बजाई जी, अरे ये मेरी ऊपर तक ना उठती, छोटी भाभी है मेरी, ये बोले थे मेरे सुधीर जो उसी को। अच्छा, तो शगुन अपने ड्यूटी पे लग गई,
रोटी बनाने का पूजा का, और देखिए कितना छोटा छोटा सा रोटी बना रही है पूरा, एक बार बना के एक बार में घी लगा देना ना। अभी 15-20 बेल लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रवि तो तैयार हो रही है और बाकी लोग तो आ चुके हैं, तो मेरी बेटी पोती को नहीं लेके आया तू। हो गया ऐसे सीख गई है बहना मेरी। उसको बोलते हैं मांग जुड़ाना, मांग जुड़ाना, मांग जुड़ाना। आपने मुझे तो दिया है इसमें। प्रणाम कर लो। बैठी ना, प्लीज बैठी बैठी, तुम लगाओ। देख लो शुभम को थोड़ा सा, आंटी को पैर नहीं छुए, आंटी पैर छू रही है। इतने में एक बहू है, जल्दी से मनोकामना पूर्ण हो। एक तो पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो। क्या करने की? हमारे पतिदेव हर चीज में पीछे रहते हैं। वीडियो करने के लिए सुनवा के कोने में बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग, पर हम लोग को डांटते हैं। ब्लॉग नहीं बना, दो ही हाथ है, क्या कर सकते हैं। प्रसाद को दोहरावन लेके खाने वाली स्त्री से मिलिए। आपको दिख रहा है कि मैं डबल डबल खा रही हूँ? मैंने दिया है ना, इसलिए मुझे पता है। अच्छा यहाँ पे अलग है, हमारे यहाँ पे गुड़ का अलग और दूध का अलग होता है, यहाँ पे दोनों मिक्स है ना, ऐसा है ना? हमारे यहाँ अलग बनता है, हमारे यहाँ अलग बनता है, ये वाला बनता है। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे भी? अच्छा तुम्हारे यहाँ पे भी मिक्स करके बनता है, हमारे यहाँ तो दोनों अलग अलग बनता है। कभी आप लोग भी आइए खा के देखिए, अच्छा लगेगा आप लोग का। मैं सबसे ज्यादा ये काम होता हूँ। हाँ? सहायक सहायक ये तुम हो ना। पैदल आ रहा है, रथ से जा रहे हैं। रथ से जाने का मजबूरी है क्योंकि हमारे बाजू वाले गेट बंद है, बैक साइड वाला गेट। वही थी ना उस दिन भी बोली मैं, यही तो बात कर ही रही थी तब तक लिफ्ट का बंद हो गया, लाइट चली गई थी। ठीक है 10 बजे एकदम ठीक है। हाँ, 10 बजे बंद कर दो तो समझ में भी आता है, समझ आता है। लेकिन 8 बजे बंद कर देना है, अभी 9:30 हो रहे हैं, शुरू हो गया लोग खाना बंद कर दे। ऑफिस टाइम है, मेरे ऑफिस का बस भी इधर ही 7 बजे आएगा, तो मुझे भी नहीं मिलेगा खाली। नहीं नहीं 7 बजे 8 बजे तो मिलेगा जी, 8 बजे। अच्छा 7:30 ठीक है, 8 बजे तो तुम 8:30 तक बंद होता है। आज तक खरना है, अब तो कट गया, बताइए कट गया। तो पेड़ थोड़ी ना, सोसाइटी में पेड़ किसी एक का थोड़ी ना होता है, वो तो मेंटेनेंस टीम का होता है। मैंने कट के लिए कोई नहीं मना करता है। नहीं वो मुझे चला ही रहा था ऊपर से, ओ भैया तब तक मैंने केले का पत्ता काटा लेते चला गया। हाँ थैंक यू, पर अगले साल इधर रहेंगे तब तो वहां जहाँ रहेंगे वहां यूज करेंगे, घूमेंगे। चलो भाई बाबू जग गई है, बहुत डांट पड़ने वाली आज। चाबी लेके गया हूँ। भागी 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 मम्मा। हाँ आओ इधर आओ इधर आओ, टीका लगा लो, टीका लगा लो, बैठिए बैठिए बैठिए। ओह माय गॉड, कौन बोलता है मेरे बेटी समझदार नहीं है, देखो तो बोलिए कुछ क्या। ऐसे 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 वो सही बैठी है, आप डायरेक्शन चेंज करो। नाक से ना मम्मी, नाक से। अरे वाह मिला बच्चा, मिला बच्चा, शुरुआती भी है, स्माइल पास करती है। गुड्डू गुड्डू काजू किचमिच गुड्डू।
अरे जय जय कर रही है भाई, आरती नहीं की इसलिए। आरती के लिए पकड़ के ला रही है आपको। ओहो देखिए भगवान जी का वो कर रही है, मम्मी को बोल रही है आरती करने के लिए। चलो बोलने में थोड़ी लेट है मगर समझदार तो पूरी है। चल, 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 बताओ मम्मा। आजा, चलो चलो आरती करने आरती के लिए ता। देख ली गुना अंकल शैडो दो मिनट प्लीज शांत हो जाएंगे आप। मम्मी को पकड़ के ले गई है अर्ता और आके यहाँ पे हाथ जोड़िए भगवान जी के आगे कि आरती करो। इतनी समझदार बच्ची है यार, कैसे इतनी समझदार नहीं है ना। हे भगवान, मम्मी देख लो। बाकी समझदार नहीं है, बाकी समझदार नहीं है। अले वाह, होती हमारी समझदार। अले वाह, अपने से पकड़। अच्छा उसमें देख रही, रिफ्लेक्शन देख रही है अपना। कितना फैशन का इसको वो है, सेंस है मम्मा। देखो ना इधर तो देखो, शगुन का चुन्नी लेके। अरे ये भी चुन्नी लेके खड़ी है पूजा करने के लिए। शी नोज की चुन्नी लेके करते हैं पूजा। अरे यार जैसा संस्कार डालोगे वैसा ही होगा ना। हाँ सही बात है, खींच रही है। दे दो दे दो दे दो, चुन्नी दे दो, लपेट दो उसको। क्या हो गया आप अच्छा सेफ्टी पिन लगाओ, एक और चुन्नी है लेना है ले लो, लपेट दो अच्छे से। अब इसको मन है भाई पूजा पाठ में, ज्यादा मन लगता है। सुबह सुबह बजरंग बाण जब सुनती है, बजरंग बली का वो करके सुनती है। भी लो। अच्छा तुम भी वो? अरे बाप रे शगुन, विदा करेगी यही सबको। ओले बाप ले बाप, ओले बाप ले बाप, प्यार हो रहा है भाई, प्यार इतना प्यार हो रहा है। कितना मुझे धक्का दी, पापा को मारो हटाओ। मगर पापा ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे बेटू हो चाहे मम्मी हो, किसी को भी एडजस्ट हो सकती है मम्मी। अरे कुछ नहीं, अब जगेंगे भाई, सुबह से सोएंगे, ड्यूटी करके नहीं है। मम्मी की तो बुढ़वा बना ही देगी, मम्मी चले बुलाया। अब देखना अमीरा करना, मेरा करना, अमीरा करो ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि मैं पकड़ता हूँ तो क्या करती है। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। हाँ बेटा, पापा तू बटो पापा, नहीं नहीं मम्मा पापा की सीधे नहीं बटेंगे। तो इस ब्लॉग में आप लोग फिलहाल पिछले साल का देखिए कि हम लोग कितने एक्साइटमेंट से कर रहे थे, अपने घर में कर रहे थे, और कितने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके छठ में मतलब जो तरीके से होता है वो फॉलो करके अच्छे से कर रहे थे। तो आप लोग हमारे चेहरे पे एक अलग से खुशी देख रहे हुए होता है ना, कि जैसे कि जब खुद सारी चीजें अपने पास करते हो ना, खुद से करते हो तो अच्छा लगता है। इस बार कर तो रही है, कर नहीं रही है पर करवा रही है, तो वो वाली एक्साइटमेंट तो रह नहीं जाती है। तो देखिए पिछले साल का आप इस बार एंजॉय करिए, अगले साल छठ करेंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। आज खरना है और खरना की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब खरना है तो आज रोटी नहीं बनेगा, ये गुड़ का सब खीर बन गया मेरा, और ये ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ इसमें। ये दूध वाला बन रहा है जिसमें कि चीनी मैं नहीं डालूंगी, विदाउट चीनी रहेगा। अरवा चावल में ही बनता है, इसमें साठी का चावल डाला जाता है, बन रहा है। आपके मतलब कि ये हम ही को करना है, किसी और को नहीं करना है, तो मैं ही कर रही हूँ इसमें आज। कल से ज्यादा आज इसमें मतलब कि ये किया जाता है। थोड़ी देर के बाद मैं नया कपड़ा पहनूंगी, सब कुछ करूंगी, नया सब तैयारी करूंगी, तैयार होके फिर पूजा करूंगी। 7 बजे तक बैठ जाऊंगी पूजा करने। आज खीर और रोटी बनेगा, रोटी में घी लगाएंगे, घी लगा के और वो आपको जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, प्यास लग जाएगी। आपके पास बैठी, बहुत ही टफ होता है, हालांकि हमें नहीं लगता है उतना टफ नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मेरे हेल्प करने वाले लोग बहुत रहते हैं, हस्बैंड से लेके सब कोई जाता है, भाई से बहन से सब कोई, मैंने ननद सब रहते हैं हेल्प करने वाले, बच्चा सब मेरा, इवन अब तो पोती हो गई है वो हेल्प करती है। गिर गया दीजिए, हटा देना। अब सोच लीजिए कि यहाँ सब साफ सुथरा है लेकिन वो गिर गया तो वो नहीं रखा जाएगा। तो यही चीज है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने लोग ये छठ पूजा को अब हम लोग जो है कि अच्छा से जो नियम है जो हमारे पूर्वज बनाए हुए हैं वही चीज हम लोग बनाते हैं, हम लोग वही चीज करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अब फैशन बना लिए हैं इस पूजा को, जो कि नहीं, सूर्य भगवान का पूजा है, इतना ये पूजा है कि इसमें बहुत डर रहता है। इस
पूजा में देर अंधेर पड़ जाता है कुछ, अगर कुछ गलती होती है तो वही चीज बोलते हैं कि इसमें फैशन नहीं, इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है आदमी। कुछ ऐसा चीज है जो कि सुहाग का चीज है, वो चीज तो करना पड़ता है। लेकिन हम लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं, मेहंदी उन्दी कुछ नहीं लगाते। बहुत लोग ऐसे हैं कि अब मेहंदी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। जो हमारा कस्टम है ना, वो कस्टम करना चाहिए। क्योंकि छठ पूजा तो मैं बहुत छोटी से देख रही हूँ, मैं ये नहीं कि आज मैं देख रही हूँ, बहुत छोटी से देख रही हूँ और बहुत छोटे उम्र से कर रही हूँ। मैं एकदम सुबह से निर्जला रहते हैं, सब चश्मा ही बिगड़ देता है। निर्जला रहते हैं सुबह से रात में, मतलब कि अब हमें जल्दी से जल्दी खाना है, पूजा करना है, खाना खाना है, फिर जाके 7:30-8 बजे तक एकदम पूरा पानी बस लास्ट पीना है। उसके बाद परसों ही मैं चांद अस्त होने से पहले उसमें जोड़ा रोटी रखते हैं। अभी तो मैं बोलूंगी, बाद में नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है, करना इसको बोलते हैं। रात में अब हम खाएंगे इसमें दो रावण नहीं लेते हैं, और जो तक चंदा मामा है तब तक ही मैं पानी पी सकती हूँ, उसके बाद नहीं पानी पी सकती। जितने डाला है, जैसे मैं थोड़ा सा दूसरा से ये कर लेती हूँ, मैंने हर जगह होता है अपना अलग अलग कस्टम है। हमारे यहाँ भी दोनों तरफ से होता है, ऐसे निकाल के नेवज निकालते हैं, इसको नेवज बोलते हैं, और अलग अलग जितने सूप है उतने नेवज निकालते हैं। बहुत लोग हैं कि एक ही जगह निकाल लेते हैं, तो उस तरह से होता है, हर जगह अपना अपना अलग अलग कस्टम होता है। अब इनका पूजा हो गया, लोग आएंगे प्रणाम करेंगे और अपना अपना प्रसाद लेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब छठ का दूसरा प्रसाद है, कल नहाय खाय का प्रसाद था और आज खरना का प्रसाद है। कल कोई प्रसाद नहीं होगा, परसों फिर उनका प्रसाद होगा जिसमें ठेकुआ और फल वगैरह जो भी है वो मिलेगा। माता रानी बहुत मेरा मनोकामना पूर्ण की है, मुझे आप मुझे दिए, ये मेरी लक्ष्मी दिए, सोने सी हीरा सी बच्चा दिए, उसी तरह सब मनोकामना पूर्ण करना। अरे मेरा बच्चा खूब बड़ा आदमी, मतलब खूब सब खूब अच्छी बच्चा। खूब तरक्की करो, पूरा परिवार को संभाल के रखो। दुछली नतनी आ गई दीदी भाई, भाई नतनी को करवा लोग रखना, मेरे बच्चा को सब स्वस्थ रखना, एकदम खूब अच्छा बड़ा आदमी बनाना। कितना खुश हो रही है हमको देख के यार, बहुत खुश हो रही है। लड़कों को बहुत लगाते हैं, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करे, बाल बच्चा इनका सब अच्छा से रहे, दीदी को खूब खुश रखे। जब पहली ऐसी पूजा होगी जिसके अंदर में पति पत्नी को प्रणाम करते हैं, बड़े और छोटे का नहीं देखा जाता है इसमें। परवर्ती मीन्स की मैं पूजा कर रही हूँ, तो मुझे जैसे कि छठी माता का ये किया जाता है कि हाँ ये परिवर्तन हो गई तो वो पूजा कर रही है, तो उनको बड़ा छोटा कोई नहीं, सभी प्रणाम करते हैं हमारे यहाँ। अब और क्या नहीं कर सकते, मेरे यहाँ का कस्टम है। अब बस पानी पीने का टाइम हो गया है मेरा, तो पानी पीने के बाद अब मैं जो पानी अभी जो पी लूंगी उसके बाद कुछ नहीं पीऊंगी। और आज ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, बहुत शौक से पानी ले, बहुत ऐसा पकड़ के खाना खा रही थी मैं। मगर ऐसे क्यों बैठ गए जैसे कि इंटरव्यू देना है, वो कहते बैठ गए, ऐसा लगा रिसेप्शन बड़े दूल्हा है। अच्छा तुम दूल्हा वाला दूल्हा। अच्छा वही दूल्हा, क्यों तुम क्यों नहीं?
छोटे हाइट वाला दूल्हा कैसे हो सकता है? भाई मैं सजी दाजी हूँ इसलिए दूल्हा। अच्छा वो नहीं सजी। यही सबसे हार्ड होता है कि 36 घंटे से भी ज्यादा निर्जला रहना पड़ता है। चलिए इसी के साथ पे इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।